हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 11th में एसपीसीसी में लास्ट हमने हमारा जो सेक्शन नंबर डी था वो हमने कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम हमारा सेक्शन ई जो आपको सीसी एसपी के सेक्शन में से आएगा उसका हम रिवीजन करेंगे। और आपको एक और बात बता दूं कि एसपी और सीसी दोनों एक ही सब्जेक्ट है बट उसके पार्ट किए गए। तो अब हम एसपी के सेक्शन में से जो आपको सेक्शन ई आने वाला है उसका हम रिवीजन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नरेट द टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी विथ द डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड सेक्रेटरी बिकम वाइडर। President's present secretary is related with the present work of his master. In the present time, leaders, actors, ministers, businessmen, etc. keep their secretary in different institutes like cooperative society, labor union, cricket board, trade association, exit government, corporation, government department. The position of secretary are as boss. इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे ये टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी समझने के लिए यहाँ पे हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, उसमें यहाँ पे हमने सिक्स जो है हमारे टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी वो यहाँ पे हमने लिखे हैं। फर्स्ट प्राइवेट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशन। अब यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी में भी दो टाइप्स है, फर्स्ट इज जनरल सेक्रेटरी एंड सेकेंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। एंड सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशन में अलग अलग टाइप्स ऑफ सेक्रेटरीज है, जैसे कि स्टूडेंट लीडर, यूनियन सेक्रेटरी, क्लब सेक्रेटरी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेक्रेटरी, लेबर यूनियन सेक्रेटरी, ट्रेड एसोसिएशन सेक्रेटरी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इस तरह से यहाँ पे अलग अलग हमें सेक्रेटरीज दिए गए। यहाँ पे मैंने इन सब के खाली नाम ही लिखे हैं। आपको आपकी नोटबुक में ये सारी जो टाइप्स ऑफ सेक्रेटरीज हैं उनके बारे में आपको डिटेल में आंसर लिखना होगा। फर्स्ट हम प्राइवेट सेक्रेटरी का मीनिंग अगर हम समझे, दैट मीन्स अ पर्सन हु नॉर्मली द लीडर्स हु पोजेसेस हाई पोस्ट लाइक फिल्म आर्टिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एक्सेट्रा अपॉइंट्स प्राइवेट सेक्रेटरी। सच अ सेक्रेटरी अरेंज द मीटिंग्स, अरेंज इवेंट्स एंड रिमाइंड्स द बिजी मैटर्स, मोर एवर ही लुक आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। सेकेंड इज मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी, इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स for doing all the administrative work a responsible person is appointed can be called a ministerial secretary। कि जो हम अलग अलग डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट में जो हम पर्सनस के अपॉइंटमेंट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ ministerial secretary। अब यहाँ पे कंपनी के दो टाइप्स दिए गए, कंपनी सेक्रेटरी के दैट इज़ द जनरल सेक्रेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी दैट मीन्स कि जो कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं उसे डायरेक्ट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू जिसके अपॉइंटमेंट करते हैं वो। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी दैट मीन्स कि जो मेंटेन रखने सारे काम जो है वर्कर्स के डायरेक्टर्स के बीच में जो काम मेंटेन करने के लिए जो सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट की जाती है दैट इज कॉल्ड अ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। फिर सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी की इंटरनेशनल रिलेशन मेंटेन करने के लिए जो हम रिप्रेजेंटेटर्स के अपॉइंटमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड द सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी। डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज दैट मीन्स कि गवर्नमेंट फ्रॉम कैबिनेट्स अपॉइंट्स फॉर अ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ वेरियस मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड, सच अ मिनिस्टर्स आर कॉल्ड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज। एंड लास्ट स्टेप इज सेक्रेटरीज ऑफ एसोसिएशन। अब यहाँ पे आपको नाम दिए गए उसके ऊपर से आपको पता चली गया क्योंकि स्टूडेंट यूनियन सेक्रेटरी दैट मीन्स स्टूडेंट्स अपॉइंट्स अ सेक्रेटरी, स्कूल एंड कॉलेज मेक टू यूटिलाइज स्टूडेंट्स राइट्स एंड ऑल दिस थिंग्स, अ पर्सन हु अपॉइंटेड इज कॉल्ड स्टूडेंट यूनियन सेक्रेटरी। सेकेंड इज क्लब सेक्रेटरी की, जैसे हमें यहाँ पे अलग अलग क्लब्स दिए गए होते हैं उस क्लब्स के डेली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो हम पर्सन के अपॉइंटमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड द क्लब सेक्रेटरी। एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेक्रेटरी दैट मीन्स कि अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होती हैं जो बिग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे हम जो पर्सन्स के अपॉइंटमेंट करते हैं कि मैनेज करने के लिए दैट इज़ कॉल्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेक्रेटरी। लेबर यूनियन में भी जो वर्कर्स अपने इंटरेस्ट के लिए उनका एरिया और उनकी लेबर रेट हो सके और उनकी डिमांड्स प्रॉब्लम को प्रेजेंट करने के लिए जो पर्सन्स की अपॉइंटमेंट की जाती है दैट इज़ कॉल्ड अ लेबर यूनियन सेक्रेटरी। ट्रेड एसोसिएशन मतलब कि अलग अलग ट्रेड एसोसिएशन मिलके प्रोड्यूसर्स मिलके जो ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप के डेली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जिसे हम अपॉइंट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रेड एसोसिएशन सेक्रेटरी। एंड लास्ट टाइप इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज कि जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं उनको काम करने के लिए जो पर्सन्स की अपॉइंटमेंट की जाती है कि जो सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट की जाती है फॉर अ डेली एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज कॉल्ड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ सेक्रेटरीज की। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गिव द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी
इन गुजराती लैंग्वेज द वर्ड सेक्रेटरी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश. जनरली वी यूज मंत्री ए वर्ड इन गुजराती विच मीन्स पर्सनल असिस्टेंट और सेक्रेटरी. इन ओल्डन डेज किंग्स एंड अदर रॉयल फैमिलीज यूज टू कीप सेक्रेटरीज. श्री सुमंत वॉज अ सेक्रेटरी ऑफ किंग दशरथ. श्री विदुर वॉज सेक्रेटरी ऑफ धृतराष्ट्र. इन मुगल एम्पायर दे वर कोल्ड वजीर. बीरबल अबू फजल वेर वेल नोन इन एंशंट रोमन एम्पायर. दोज हु परफॉर्म द वर्क of correspondence on behalf of the king were called scriba. The word secretary is derived from the Latin word secretarius, which means one who keeps secret details and observe correspondence. Secretary work are as personal assistants. यहाँ पे डेफिनेशन. इन जनरल सेंस सेक्रेटरी मीन्स अ पर्सन हु परफॉर्म द एक्टिविटीज ऑफ मेंटेनिंग सीक्रेसी, ऑब्जर्व कोरेस्पोंडेंस, डॉक्यूमेंटेशन, कीप रिकॉर्ड्स ऑफ एग्रीमेंट एंड अंडरटेक अदर एक्टिविटीज एज डायरेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन्स, एसोसिएशन, कॉरपोरेशन और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस. एज पर ऑक्सफर्ड डिक्शनरी, अ पर्सन हु कंडक्ट कॉरेस्पोंडेंस ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन, सोसाइटी, कॉरपोरेशन और एनी पब्लिक इंस्टीट्यूशन, कीप रिकॉर्ड एंड मेंटेन एनी कैरिड आउट डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज ट्रांजेक्शंस इज अपॉइंटेड. अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट, सेक्रेटरी मीन्स constitutionally qualified person appointed to observe the responsibilities of the duties assigned to the secretary according to the statute and performance of other administration and ministerial duties. From the above definitions, the following points can be drawn. These are also called the characteristics of secretary. अब यहाँ पर हमने definitions देखी, उसके ऊपर से यहाँ पर हम जो characteristics के जो points दिए गए वो भी हम देखते हैं कि हमें पता चले कि as a secretary किस तरह के persons की हम appointed कर सकते हैं. Secretary must be properly qualified. The secretary knows personal matters of and secrets of his masters and keep it confidential. He performs whatever duty is assigned to him. He does not have any of his own authority. Authority is assigned to him. The secretary is helpful to constitute document and contract. He does correspondence of his on behalf of his master. He preserves documents, contracts properly. Only a living person can be appointed as a सेक्रेटरी. तो यहाँ पे ये हमने सेक्रेटरी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो हमने देखे कि किस तरह से हम पर्सन्स की अपॉइंट कर सकते हैं. वेल क्वालिफाइड पर्सन की अपॉइंटमेंट करनी चाहिए और सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने का काम किसका होता है, सेक्रेटरी का होता है. उसके बाद का हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डिड द नेसेसिटी ऑफ सेक्रेटरी अराइज इन अवर कंट्री. फॉर सेक्रेटरी द वर्ड मिनिस्टर इज यूज्ड. मिनिस्टर मीन्स पर्सनल caretaker, but this concept is very old. In ancient Roman Empire, those who performed the work of correspondence on behalf of the king were called scriba. Now it is work of secretary. In olden days, kings and other royal families used to keep secrecy. For example, Shri Sumant was a secretary of King Dashrath. Shri Vidur was a secretary of King Dhritarashtra. In Mughal Empire, they were called Wazir. Birbal, Abu Fazl were well-known persons. With the Industrial Revolution, the development of business has been done. Because of this, human being activities have also increased, which leads to the requirement of secretaries. Various nature of business administration have come into existence. Various invention have leads to exchange of information very fast. Various multinational companies came into existence. For the administration of these companies, appointment of secretary required by the management. अब यहाँ पे कि जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता गया, कि पहले के ज़माने में हम मिनिस्टर दैट मीन्स मंत्री के लिमिटेड में पता होता गया, पर जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता गया वैसे वैसे सेक्रेटरी की इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ती गई, और मल्टीनेशनल कंपनी में तो सेक्रेटरी की इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ती गई. द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज डन बाय ग्रुप ऑफ मैनेजर्स, बट फॉर डेली एडमिनिस्ट्रेशन वर्क अब
मैनेजर ऑफ और मैनेजमेंट ऑफ द वर्क रिक्रूटमेंट ऑफ सेक्रेटरी बिकम एसेंशियल इन 2013 न्यू एक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी इज मैंडेटरी वेयर द सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 5 करोड़ और मोर कि अगर कोई भी कंपनी सेक्रेटरी की जो कंपनी की अगर सब्सक्राइब कैपिटल 5 करोड़ से अगर ज़्यादा होती है तब हम क्या करते हैं सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट कंपलसरी हो जाती है। उसके बाद का हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाई इज़ द पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी इम्पोर्टेंट इन कंपनी एज पर न्यू कंपनी एक्ट 2013 अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी इज मैंडेटरी वेयर द सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज 5 करोड़ और मोर एज पर कंपनी लॉ कंपनी पोजेसेस आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी हियर शेयर होल्डर्स एंड कंपनीज आर टू सेपरेट आइडेंटिटी सो For the administration of all work, the position of secretary is very important in the company. The management of company is carried out by the board of directors, but all the members of board of directors are not acquainted with all the rules and regulations and all are local. So the administrator company as per the rules and regulations and all are not local, the company secretary does not have any power. To manage the day-to-day work, he has to follow orders with the limitations of the managements कि जो उन्हें सेक्रेटरी को जो पावर दिए जाते कि डे टू डे ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट करने के लिए उसे जो ऑर्डर्स दिए जाते वो ऑर्डर्स उसे फॉलो करने पड़ते हैं। कंपनी सेक्रेटरी डज कॉरेस्पॉन्डेंस ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस इन शेयर कन्वर्जन्स शेयर प्रोस्पेक्टस फिर मीटिंग अरेंजमेंट इशू ऑफ डिबेंचर प्रिजर्व द डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा वर्क आर बीन डन बाय कंपनी सेक्रेटरी कि यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी का काम क्या होता है कि शेयर्स इशू करना डिबेंचर्स इशू करना और एज वेल एज सारे ट्रांजेक्शन्स करना ये सारे काम किसके होते हैं कंपनी सेक्रेटरी के। कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी प्रिपेयर द एग्रीमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट प्रोवाइड रिलायबल इंफॉर्मेशन इन मैटर ऑफ पॉलिसी फॉर्मेशन इफ रिक्वायर्ड देन रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय इज ऑल्सो डन ऑब्जर्व द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी एंड अरेंज द ऑडिट टाइमली। अब यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी क्या करते हैं एग्रीमेंट बनाते हैं फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखते हैं डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना और अगर प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत हो वो गाइडेंस सारा कौन देता है हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। तो इस तरह से यहाँ पे सेक्रेटरी की पोजीशन जो है वो कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके साथ ही सारे जो कंपनीज के काम होते हैं वो सारे जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे ये हमने हमारे सेक्शन ई का भी हमने रिविज़न कम्प्लीट किया है। आपको आपके होम असाइनमेंट में ये जो सेक्शन ई के जो 4 क्वेश्चन है वो आपको आपकी नोटबुक में एज अ रिविज़न लिखना है। हम हमारे जो नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन एफ जो है जो आपको सीसी के सेक्शन में से आएगा उसके बारे में हम करेंगे। थैंक यू।